मेरे प्यार बहन भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं डॉक्सीमाइन प्लस टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के क्या फायदे, क्या नुकसान है, इसमें पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट का प्रयोग मुख्य रूप से गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें भी किया जाता है। उनमें जो स्थिति है वह उल्टी को रोकने के लिए समांतर देखा गया है। जब भी महिला को प्रेगनेंसी होती है तो उसी समय से महिला को नोजी वोमिटिंग, जिसे कहते हैं, शुरू हो जाती है। जी मचलाने जैसी स्थिति हो जाती है और यह शुरुआती प्रेगनेंसी लगाकर 3 से 6 महीने रहती है और किसी किसी महिलाएं 9 महीने तक भी यह समस्या रहती है। और जब यह समस्या महिलाओं में बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा उल्टी होती है, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा उल्टी होती है तो महिलाओं में इलेक्ट्रोलाइट एम्बुलेंस हो जाता है, साथ ही वेट लॉस भी हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं के बचाव के लिए, अल्टीमेटली वोमिटिंग रोकने के लिए यह प्रोडक्ट डॉक्टर महिलाओं को यूज करवाता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं में मॉर्निंग सीखे की समस्या भी होती है। यह वह समस्या जब महिला सवेरे उठती है तो महिलाओं को उल्टी जैसा लगता है, हल्का सा चक्कर आता है, खाने का मन भी नहीं होता, उसको मॉर्निंग सीखने कहते हैं। तो उसको ठीक करने की भी यह प्रोडक्ट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको दिमाग में एक सवाल आया होगा। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको 2 बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर 1, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 2, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जांच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है।